हेलो, आई एम अनिल रावत, ट्यूटर इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज इंदौर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेनिंजाइटिस। इंट्रोडक्शन। अ सीरियस डिजीज इन विच देयर इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजाइटिस caused by viral or bacterial infection and marked by intense headache and fever, sensitivity to light and muscular rigidity। यह एक गंभीर बीमारी है जो कि inflammation यानी किसी संक्रमण के कारण मेनिंजाइटिस होता है, जिसमें हेडेक होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसमें हेडेक के साथ फीवर यानी बुखार और मस्कुलर रिजिडिटी यानी जकड़ता भी, शरीर में जकड़न सी होती है। Now its definition. Meningitis is usually caused by a viral infection but can also be bacterial or fungal. Vaccine can prevent some forms of meningitis. General meningitis जो है उसका कारण वायरल इन्फेक्शन होना है, परंतु यह बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है और वैक्सीन के द्वारा हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके मेनिंजाइटिस में नॉर्मल मेनिंजाइटिस हो या इन्फेक्टेड मेनिंजाइटिस, दोनों हो सकते हैं। अब उनके कॉजेस, कारण वायरल इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। इन्फेक्शन एंड रेलवे फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टेप्टो कोकोकस निमोनिया, सेकंड है नेसीरिया मेनिंजाइटिस, थर्ड है हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा एंड फोर्थ इज लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस। Now, four types of meningitis: viral meningitis, chronic meningitis and parasitic meningitis. Now its risk factor. Skipping vaccination risk rises for anyone who has not completed the recommended child or adult vaccination schedule. Age most cause of viral meningitis occurring children. Younger than age 5, and bacterial meningitis is common in those under age 20. इसका मतलब है कि जिन बच्चों को 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर उनको बराबर समय पर टीके नहीं लगाए, वैक्सीनेशन नहीं दिया है, तो उन बच्चों को
इसका होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉमन होता है 20 साल से कम उम्र के बच्चों को। दूसरा है लिविंग इन ए कम्युनिटी सेटिंग। जब हम कम्युनिटी में रहते हैं उसका कारण भी होता है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी यह हो सकता है। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट लिविंग इन ए डॉर्मेटरीज, पर्सनल और मिलिट्री बेस एंड चिल्ड्रन इन बोर्डिंग स्कूल एंड चाइल्ड केयर फैसिलिटीज आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज द बैक्टीरियम इज स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। यानी जहाँ भीड़ भाड़ में एकत्रित होकर जहाँ बच्चे रहते हैं, जैसे बोर्डिंग में, कॉलेज में, तो वहाँ पर सांसों के द्वारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा इसके फैलने की संभावना अधिक होती है एंड स्प्रेड क्विकली थ्रू द लार्ज ग्रुप। और इस प्रकार यह एक बड़े ग्रुप में फैल जाता है। प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ लिस्टेरियस एंड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द लिस्टेरिया बैक्टीरिया विच मे आल्सो कॉज मेनिंजाइटिस। लिस्टेरियोसिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ मिसकरेज, स्टिल बर्थ एंड प्री मैच्योर डिलीवरी। गर्भवती माताओं के द्वारा भी यह मेनिंजाइटिस फैलने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें भी ये मेनिंजाइटिस के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लिस्टेरिया बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस गर्भवती माताओं के जरिए भी आता है, और या फिर जिन बच्चों ने समय से पूर्व जन्म लिया है उन बच्चों को भी मेनिंजाइटिस की संभावना या खतरा बना रहता है। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम इन एड अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, यूज ऑफ इम्यूनो सपोरोसेंट ड्रग्स एंड अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट यूअर इम्यूनो सिस्टम आल्सो मेक यू मोर सस्पेक्टेबल टू मेनिंजाइटिस। यानी कि एड्स के द्वारा अल्कोहल का सेवन करने से डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को और दूसरे ड्रग्स के सेवन से भी हमारा इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर होता है, और उसके कमज़ोर होने से हमारा ज़्यादा संभावना होती है मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के घेर लेने की। इसलिए हमें इन कारणों को भी सोचना चाहिए और उस पर उपाय करना चाहिए।
इसके अलावा अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी पैथोलॉजी में बैक्टीरिया इंट्रीज, ब्लड स्ट्रीम ट्रामा, इंटर्स द मस्कुलर सरफेस कैविटी, ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल बेरीज, क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, प्रोपरेट्स इन द CSF, इंफ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस, इंक्रीज इन ICP। अब हम मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। फर्स्ट पॉसिबल साइन एंड सिम्टम्स इन एनीवन ओल्डर देन द एज, सडन हाई फीवर, स्टिफ नेक, सीवियर हेडेक दैट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, हेडेक विथ नोसिया और वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन और डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, सीजर्स, स्लीपनेस और डिफिकल्टी वॉकिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, नो एपिटाइट और थ्रस्ट, स्किन रैश। यानी कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि ओल्डर एज, ओल्डर एज में उसमें अचानक बुखार आ जाना, गर्दन का अकड़न, हेडेक हो जाना, सरदर्द होना, सरदर्द के साथ वोमिटिंग भी होना, मछली वोमिटिंग, जी घबराना, सीजर्स आना, कपकपी, कंफ्यूजन हो या फिर कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होना, नींद इंटरप्टेड होना या नींद ना आना, चलने में डिफ़िकल्टी होना, लाइट की सेंसिटिविटी होता है, भूख की कमी और स्किन रैश, इन्हें हमारे स्किन के ऊपर रैशेस आ जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। मेनिंजाइटिस में सेंट्रल से लेकर हेडेक, ईयर्स, आईज, नेक, सिस्टमेटिक में मसल्स में ऊपर स्किन के ऊपर धब्बे आना, रेशेस आना जैसे सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में फीवर, स्किन इश्यूज, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, नेक स्टिफनेस एंड रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस होती है। ब्लड कल्चर आइडेंटिफाई बैक्टीरिया इन ब्लड, bacteria can travel from blood to blood to the brain. Meningitis and
pneumonia, among other, can cause both sepsis and meningitis. A complete blood count with differential is a general index of health. It checks the number of red and white blood cells in your blood. यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जब हम इस पर करवाते हैं तो विद डिफरेंशियल के साथ, तो उसका जो जनरल इंडेक्स रहता है उसमें हम ये चेक करते हैं कि उसके जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स का उसमें पता चलता है. वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन. The count is usually elevated in meningitis. इसके अलावा हम इसमें chest x-ray भी मरीज का करवाया जाता है, और chest x-ray में can reveal the presence of pneumonia, tuberculosis or fungal infection. Meningitis can occur after pneumonia के बाद ही meningitis के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इसके अलावा हम सिटी स्कैन भी इसमें कभी कभी डॉक्टर्स सलाह देते हैं. अ सिटी स्कैन ऑफ द हेड मे शो प्रॉब्लम्स लाइक अ ब्रेन एब्सेस और इंटरक्रेनियल प्रेशर. बैक्टीरिया कैन स्प्रेड फ्रॉम साइनसेस टू द मेनिंजेस. नाउ इट्स मैनेजमेंट. बैक्टीरियल मैनेजमेंट. Bacterial meningitis requires immediate hospitalization, early diagnosis and treatment will prevent brain damage and death. Bacterial meningitis is treated with intravenous antibiotics and steroids. यानी कि सबसे पहला तो meningitis में सबसे पहले ज़रूरत है कि मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाए जिससे कि उसको डायग्नोसिस हो सके और जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके, जिससे कि जो ब्रेन हमारे मस्तिष्क का जो डैमेज होना और डेथ हो जाने से काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज ट्रीटेड विथ इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स. आईवी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड देने से भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है इसकी रुकावट में. देर इज no specific antibiotic for bacterial meningitis. Bacterial meningitis के लिए कोई विशेष antibiotic नहीं है, specific antibiotic नहीं है. It depends on bacteria involved. Bacteria कितना involved हुआ है ये उस पर निर्भर करता है. Fungal meningitis is treated with antifungal agents. Antifungal agents के द्वारा ही fungal meningitis को treat किया जाता है. Parasitic meningitis may either involve treating just the symptoms or attempting to treat the infection
directly depending on the cause. This type may get greater without antibiotic treatment. यानी बिना एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के भी हो सकता है इसका इलाज. इफ इट इज वर्सन्स हाउएवर यू डॉक्टर मे ट्राई टू ट्रीट द इन्फेक्शन इट्सेल्फ. वायरल मेनिंजाइटिस मे रिजॉल्व ऑन इट्स ओन बट सम कॉजेज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस will be treated with intravenous antiviral medications. Chronic meningitis is treated by treating the underlying cause first, such as fungal infection or an anti-immune issues such as rheumatoid arthritis. Now its complications. Meningitis में क्या क्या complications हो सकते हैं. Hearing loss, सुनाई कम देना. Memory difficulty, याददाश्त में दिक्कत होना. Learning disabilities, brain damage हो जाना. Gait problems, seizures, kidney failure, kidney का fail हो जाना, shock और death, ये इसके complications हैं. Now it's prevention. Wash your hand. Careful hand washing help to prevent the spread of germs. जैसा कि हर बीमारी में हम ये बताते आए हैं कि हमारी हैंड वॉशिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार इस बीमारी में भी हैंड वॉशिंग फर्स्ट है, जिससे कि हमें इसकी रोकथाम में बड़ी मदद मिल सकती है. हमें सावधानी पूर्वक हमारे हाथ अच्छे से धोना चाहिए, जिससे इस पे इसके जर्म्स को फैलने में रोका जा सके. Teach children to wash their hands often, especially before eating and after using the toilets. हमारे बच्चों को भी इसकी सीख देनी चाहिए कि वो समय समय पर हाथ धोएं, विशेषतः जब वो खाना खाएं या टॉयलेट के बाद, खाना खाने के पहले और बाद में. इसके अलावा स्पेंडिंग टाइम्स इन क्राउडेड पब्लिक प्लेस और पिटिंग एनिमल्स, पालतू जानवरों के पास जाने के बाद भी हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अब जब हम गए हैं तो भी अपने हाथ धोएं और इसी प्रकार किसी बच्चों को दें. शो देम हाउ इज ग्रोसली एंड थ्रूली वॉश रिंस देयर हैंड्स. इसके अलावा प्रैक्टिस गुड हाइजीन. गुड हाइजीन की हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. डोंट शेयर ड्रिंक्स. हमारा एक ही बर्तन से जो पानी पीते हैं, एक ही कप या ग्लास से, वो उसको अवॉइड करें. साथ में फूड करना, स्ट्रॉस का उपयोग करना, एक ही स्ट्रॉ का उपयोग करना. ईटिंग यूटेंसिल्स, एक ही बर्तन में खाना. लिप्स ब्लेम्स और टूथब्रश, एक ही टूथब्रश का उपयोग करना विथ एनी एल्स. इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए, उससे हम इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं. Teach children and teens to avoid sharing these item too.
और बच्चों को भी ये सीख दें कि वो इन सभी जो बताए गए आइटम्स को आपस में शेयर न करें। स्टे हेल्दी, हमेशा स्वस्थ रहें। मेंटेन योर इम्यूनो सिस्टम बाय गेटिंग थ्रू रेस्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईटिंग अ हेल्दी डाइट विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, इसके लिए हमें एक्सरसाइज बराबर, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, अच्छी डाइट लें। और डाइट में ताज़े फल, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स आदि का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कवर योर माउथ व्हेन यू नीड टू कफ और स्नीज, बी श्योर टू कवर योर माउथ एंड नोज। जब भी हमें खांसी या छींक आए या तो हम हमारे मुंह को, नाक को कवर करें और ऐसी शिक्षा दूसरों को भी दें, जिससे इसके जम्स फैलने नहीं पाएंगे और बीमारी पे रोकथाम हो सकेगी। नाउ वैक्सीनेशन, सम फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस आर प्रिवेंटेबल विद द फॉलोइंग वैक्सीनेशंस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, निमोकोकल ओलीसेहराइड वैक्सीन PPSV23 एंड मेनिंगोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। थैंक यू।